हेलो डियर व्यूअर्स, ये वीडियो जूनियर एडेड टीचर्स के लिए और जो सुपर टेट होना है, आगामी परीक्षा जो है दिसंबर में आयोजित होनी है, उसके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इसमें साइंस के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ से जो फर्स्ट पेज है उसमें लिखा है धातु और एस्क का नाम, एस्क में बहुयातत्व में उपलब्ध यौगिक का रासायनिक सूत्र और एस्क का रूप। तो सबसे पहला जो धातु है वो क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एस का क्या नाम है? मैग्नेसाइट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? MgCO3। और इसका एस का रूप कैसा है? कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट। जिंक, जिंक का एस का क्या नाम है? कैलेमाइन। इसका फॉर्मूला क्या है? ZnCO3। और ये किसका है? कार्बोनेट, CO3 से याद रखेंगे, कार्बोनेट। लेड, लेड का जो एस है वो है गैलेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैलेना। इसका फॉर्मूला क्या है? PbS। और इसमें देखिए आपको एस दिख रहा होगा तो सल्फाइड, तो ये एस का रूप कैसा है? सल्फाइड। कॉपर, कॉपर का एस का नाम क्या है? कॉपर ग्लांस। इसका फॉर्मूला क्या है? Cu2S। और एस है यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा? सल्फाइड। आयरन, आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयरन किस एस का से निकाला जाता है? हेमेटाइट, ये ध्यान रखेंगे। ये सब हमें मिलते कहाँ से हैं? जब अर्थ की क्रस्ट से एक्सक्रीशन किया जाता है एस का, यानी कि ओर्स। और आयरन के एस का नाम है हेमेटाइट, उसका फॉर्मूला Fe2O3। और इसका क्या है? ऑक्साइड, ऑक्साइड क्यों? O3। एलमुनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस का नाम इसका क्या है? बॉक्साइड, उसका फॉर्मूला Al2O3.2H2O। ये फॉर्मूला है किसका? बॉक्साइड का, ओके। और इसमें क्या है? ऑक्साइड। सिल्वर का क्या है? अर्जेंटाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, उसका फॉर्मूला Ag2S। और ये किसका है? सल्फाइड। कैल्शियम, जिप्सम, कैल्शियम कहाँ से मिलता है? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? Ca4.2H2O, Ca4.2H2O। इस किसका है? सल्फेट, सल्फेट कहाँ से मिला? SO4 से। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का फॉर्मूला क्या है, POP का फॉर्मूला लिखिए कमेंट बॉक्स में। POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। धातु का नाम देखिए यहाँ पे लोहा, लोहा के एस का क्या नाम है? हेमेटाइट, अभी बात हम लोग कर चुके हैं। अब ये भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़। तावा, तावे का देखिए इसका नाम क्या है? कॉपर पाइराइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उसके बाद सोना मुक्त अवस्था में रहता है, यानी कि फ्री स्टेट में रहता है, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए मुक्त अवस्था में रहता है। क्योंकि जो बहुत ही सक्रिय धातु हैं, यानी कि जो बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं, ठीक है, वो एस के रूप में मिलेंगे आपको, वैसे ही मुक्त अवस्था मिलेंगे। तो ये कोलार खान कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। एलुमिनियम बॉक्साइट, अभी मैंने बताया था एलुमिनियम गैस का क्या नाम है? बॉक्साइट। फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू कश्मीर। कैल्शियम चूना पत्थर, कैल्शियम गैस का क्या नाम है? चूना पत्थर। आपने देखा होगा CaOH का होल्ड वाइज स्लैग लाइम है, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सभी राज्यों में पाया जाता है संगमरमर के रूप में, ये राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है संगमरमर के रूप में, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मिश्र धातुएं देखी दी हुई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पीतल, पीतल की अभी धातु क्या है? यानी कि पहले तो मिश्र धातु होती क्या है वो समझ लीजिए, धातुओं का मिश्रण, ठीक है, क्या कहलाता है? मिश्र धातु, ठीक है। इनको इंग्लिश में एलॉय बोला जाता है, क्या बोलेंगे? एलॉय। तो एलॉय देखिए किससे मिले हैं? पीतल, पीतल जो है वो किससे मिलके बना है? तो इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे, पिताजी, तो पीतल, ता से तांबा, ठीक है, और जा से यानी जी जो बना है जस्ता, ठीक है, तो ये हो गया पीतल। और इस किसका उपयोग कहाँ करते हैं? बर्तन, तार बनाने में, वाद्य यंत्र यानी कि जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सजावट की वस्तुएं बनाने में। कांसा देखिए, कांसे का यूज, यानी कांसा मतलब ब्रॉन्ज, ठीक है, तो BSC याद रखेंगे, ब्रॉन्ज मतलब कांसा हो गया, और तांबा, तांबा यानी कि कॉपर हो गया सीसे, और ये टिन यानी SN, SN किसका फॉर्मूला होता है? टिन का, तो याद रखेंगे वहाँ BSC। कहाँ यूज करते हैं इसका? सिक्का बनाने में, घंटा, मेडल तथा गहने बनाने में। जैसे टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ था तो उसमें आपने देखा होगा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। फर्स्ट मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू। इन विच कैटेगरी? वेट लिफ्टिंग। शोल्डर देखिए, शोल्डर, शोल्डर पहले की होता क्या है देखें, टांके लगाने के लिए जो यूज किया जाता है वो शोल्डर है। और इसका इसमें क्या क्या विविध धातु थे? सीसा और टिन, ठीक है, सीसा और टिन ध्यान रखेंगे। विद्युत परिपथों में टांका लगाने के लिए। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा, क्रोमियम और निकिल। लोहा,
एफ ई क्रोमियम सी आर और निकिल एन आई। ये ध्यान रखेंगे एफ सी एन स्टेनलेस स्टील बनाने में, बर्तन उपकरण छुरी और कांटे बनाने में। नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक देख लेते हैं प्लास्टिक के यूज़ क्या है। तो प्लास्टिक सबसे पहले पॉलीथीन, पॉलीथीन का यूज़ कहाँ यूज होता है, थैली ना टूटने वाली बोतल पाइप बाल्टी आदि बनाने में। एक्रिलिक का यूज़ कहाँ है, कार एवं ट्रकों की खिड़कियों को बनाने में। पॉलीप्रोपिलीन का यूज़ कहाँ है, रस्सी रेशे मजबूत पाइप बनाने में। स्टायरोन यानी जिसको थर्माकोल बोला गया, पूछा सकता है थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है, स्टायरोन। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, पैकिंग में संचायक सेल के केस में बनाने के लिए, यानी कि जो बैटरी बनाई जाती है उसका जो बॉक्स होता है उसमें किसका यूज़ करते हैं, स्टायरोन, और खिलौने बनाने में। मेलामाइन, मेलामाइन का यूज़ कहाँ करते हैं, बर्तन बनाने में, और मेलामाइन बर्तन बनाने के लिए इससे कि जिससे उष्मा रोधी हो। नेक्स्ट देखिए बेकेलाइट, बेकेलाइट बिजली के प्लग एवं स्विच कंघी पेन तथा हत्थे बनाने में। और प्लास्टिक के टाइप टू टाइप्स होते हैं, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, जिनको जलाने से या उष्मा देने से वो पिघल जाते हैं, यानी किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार, पहली बात तो ये पिघलते नहीं है, जैसे कि इसमें बेकेलाइट हो गया, मेलेमाइल हो गया, जिनसे स्विचेस बनाए जाते हैं, तो ईजिली स्पार्किंग होने पर ये जलते नहीं हैं। तो कौन से उसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। नेक्स्ट देखिए टेफलॉन, टेफलॉन क्या है, नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। ठीक है, ध्यान रखने के नॉन स्टिक बर्तन यानी जिसपे खाना बनाते टाइम कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, नॉन स्टिक। मानव रोग देख लीजिए, जैसे क्षय रोग, टीबी जिसको बोलते हैं, खसरा यानी मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, रोग कारक सूचनी भी, यानी कि क्षय रोग टीबी होता किससे, जीवाणु से, जीवाणु टीबी। पहले तो टीबी की फुल फॉर्म बताना चाहिए, टीबी की फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस। ये संचरण का तरीका क्या है, वायु, क्योंकि वायु में उड़कर क्या आएंगे, जीवाणु, और इनके बचाने का क्या है, योगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। खसरा हो गया, विषाणु से होता है, विषाणु मतलब वायरस, ये भी वायु से, चिकन पॉक्स विषाणु, वायु सीधे संपर्क, और पोलियो विषाणु, पोलियो वैक्सीन सुना होगा, तो वैक्सीन किस में लगेगी, वायरस। उस इसका होने का तरीका क्या है, वायु और जल, यानी संचरण का तरीका। फिर देखिए हैजा, हैजा क्या है, जीवाणु से होगा, और टाइफाइड जीवाणु से, ये सब याद कर लेंगे। जल भोजन यानी हैजा जो होगा वो जल से होगा, और भोजन से यानी कि अशुद्ध भोजन खाने से, और टाइफाइड जीवाणु, टाइफाइड, और ये इसका है जल। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण बचाव के उपाय हैं ये। नेक्स्ट देखिए हेपेटाइटिस, विषाणु जल, उबले हुए जल का प्रयोग, टीकाकरण, ये सब क्या है। देखिए मलेरिया, तो मलेरिया का जो रीज़न है, पहले तो देखिए हेपेटाइटिस, देखिए हेपेटाइटिस विषाणु की वजह से होता है, जल की वजह से उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण से इसको बचाओ। मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, मच्छर, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल के किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने दें। जैसे पानी को बताया गया कि पानी को रोका ना जाए, यानी स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए डेंगू विषाणु है, यानी मच्छर से होता है, चिकनगुनिया विषाणु, मच्छर, तीनों जो हैं मच्छर से होने वाले हैं, और ध्यान रखें मलेरिया प्रोटोजोआ, डेंगू विषाणु और चिकनगुनिया विषाणु। नेक्स्ट देखिए जापानी मस्तिष्क, यानी कि जापानी इन्फेंटिलाइसिस क्या है, विषाणु से होता है, और इसके क्या कारण है, मच्छर, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग कर दूर। एक्यूट, एक्यूट इंसेफलाइटिस क्या है, विषाणु जीवाणु, और यह है सिंड्रोम। कवक परजीवी और स्पायरोकाइट्स, ये मच्छर पानी हवा एवं खान पान की सामग्री से फैलता है, क्या है, जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये विषाणु हो गया। उसके बाद एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम। धान के खेतों में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रजनन रोकने के लिए, इसको प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना होने दें, यानी कि जो मच्छर जहाँ पे पनप रहे हैं उस जगह पे पानी जो है वो रुकने ना दें, ठीक है। इसीलिए देखा होगा जो नालियाँ होती हैं उसमें मिट्टी तेल का छिड़काव किया जाता है, मिट्टी तेल को डाला जाता है, इससे कि मिट्टी तेल, मिट्टी का जो तेल है वो क्या रहे, पानी पर ऊपर तैरता रहेगा, और मच्छर जो होंगे वो अपना लार्वा वहाँ छोड़ नहीं पाएंगे, जिससे कि जो उनके बच्चे या प्रजनन करने की क्षमता है वो रुक जाएगी। उसके बाद देखिए धान के खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें,
पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी, क्लोरीन जो होता है पानी को अशुद्ध से शुद्ध बनाता है। बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए और टीकाकरण कराएं, ये सब इसके ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कुछ रोग हैं जो पेड़ पौधों में होते हैं। तो गेहूं की गैरोई तो किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। गेहूं का कंडुआ रोग कवक के द्वारा। नींबू का कैंकर जीवाणु द्वारा। आलू में बले बिलगन या रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इससे पूछा जीवाणु द्वारा। तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु द्वारा। लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट, लौकी में विषाणु द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं पादप कोशिका और जंत कोशिका, इसमें अंतर पूछ लिया जाता है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हरित लवक, ये कोशिका भित्ति आउटर सेल, जो ये आउटर बाउंड्री जो बनी हुई है ये रिक्तता है यहाँ पर, और ये जल, ये इसको जाइलम। उसके बाद माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बना है कोशिका द्रव, आपको दिख रहा होगा ये कोशिका झिल्ली, ये सेल वॉल जिसको ये बताया गया। उसके बाद केंद्रक, अंतःप्रद्वी, जलिका और राइबोसोम, ये सेंट्रोसोम और ये लाइबोसोम। अब देखिए प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य, जितने बताए उनके कार्य क्या हैं। तो कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, केंद्रक आदि अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य निम्नवत हैं। कोशिका झिल्ली, ये प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है जो कोशिका को स्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। ये सभी कोशिकाओं में अवश्य उपस्थित रहती हैं। कोशिका झिल्ली सेल वॉल, ये ध्यान रखेंगे, या सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। कोशिका भित्ति जो होती है उसको सेल वॉल। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना है जो कोशिका की सजा, ये केवल पौधों में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है? प्लांट्स में, यानी पौधों में। केंद्रक, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है केंद्रक, जो सामान्यतः जंत कोशिका में मध्य में होता है परंतु पादप कोशिकाओं में ये परिधि की ओर होता है। देखिए जंत कोशिका में कहाँ होगा? मध्य में, और पादप कोशिकाओं में कहाँ होगा? परिधि, परिधि जैसे ये गोला बना हुआ है तो ये इसकी परिधि। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि में विभाजन करना, इसका मेन वर्क क्या है? कोशिका की ग्रोथ यानी कि ग्रोथ ऑफ सेल्स, और उसका डिवीजन करना यानी विभाजन। यह पूरी कोशिका की रचना एवं कार्य पर नियंत्रण करता है। क्या? केंद्रक। कोशिका द्रव क्या होता है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित जीव द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली, अब देखिए केंद्रक, ये केंद्रक अंदर ऐसे, और कोशिका झिल्ली ये, तो इसके बीच में जो द्रव है उसको क्या बोला जाएगा? कोशिका द्रव। उसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लॉजिकाए और हरित लवक। हरित लवक क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की संरचना, यानी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी या ऐसे बनी होगी, जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है तथा संचित करता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। हरित लवक देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये केवल हरी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है यानी पेड़ पौधों में, तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्य करता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो पेड़ पौधे प्रकाश से क्या लेते हैं, सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, यानी कि सबसे पहले तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर होगा, और सनलाइट का यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, ग्लूकोज वाटर एंड ऑक्सीजन। उसके बाद तारक का है, देखिए क्या है, सेंट्रोसोम, ये केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। ये सिर्फ जंत कोशिका में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए पादप कोशिका में हमने क्या बताया था, क्या पाई जाएगी? सेल वॉल। और जंत कोशिका में केवल क्या पाया जाएगा? तारक का है। देखिए रिक्तिका क्या है, ये पादप एवं जंत दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है परंतु पौधों में एक बड़ी रिक्तिका केंद्र में होती है जंतु, जबकि जंत कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं कोशिका में बिखरी होती हैं। इनका कार्य पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रहण करना तथा इनकी मात्रा का संतुलन बनाए रखना। ग्लॉजी का क्या, पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण, श्रवण करना इनका मुख्य कार्य है। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये कोशिका में आने वाले पदार्थ को पचाने का काम करता है। और आप लिखेंगे कब्र ग्रह किसको बोलते हैं? राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए सहायक होते हैं, राइबोसोम। अब देखिए अंतः प्रद्रव्यीय जलिका, झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना अंतः प्रद्रव्यीय जलिका कहलाती है, जो कि केंद्रक से जुड़ी होती है अथवा इसे मुक्त रूप अथवा इससे मुक्त रूप में पाई जाती है। ये केंद्रक झिल्ली व कोशिका
द्रव के बीच में संबंध बनाती है, ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। केवल इतना याद रखेंगे कि ये किस में सहायक होती है, प्रोटीन के संश्लेषण में। नेक्स्ट देखिए कुछ ग्रंथियां यहाँ पर, देखिए पहली है पीयूष ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। इसका दूसरा नेम क्या पूछा जाता है, मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी। स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है, वृद्धि हार्मोन, यानी कि वृद्धि मतलब होती है ग्रोथ, शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, हार्मोन कौन सा डेवलप होता है इसमें, थायरॉक्सिन, शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंगा रोग, और घेंगा रोग होने का कारण और क्या होता है, आयोडीन की कमी, ग्लाइटर रोग इसको। पैराथायराइड पैराथामोन रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण क्या करता है, पैराथायराइड। अधिवृक्क ग्रंथि क्या है, एडिनिल एडिनेलिन जो हार्मोन है उसकी वजह से एडिनल ग्रंथि क्रोध चिंता में उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है, क्या, अधिवृक्क ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथ इंसुलिन, इसकी वजह से होता है इंसुलिन। पेनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथ यानी पेनक्रियाज इंग्लिश में बोला जाता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, मतलब अगर ये कमी हो रही है इसकी इंसुलिन की तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह यानी डायबिटीज़। वृषण नर में टेस्टोस्टेरोन नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, शुक्राणुओं के निर्माणों को नियंत्रित करता है। अंडाशय मादा में एस्ट्रोजन मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देखिए पादप हार्मोन्स, यानी कि पेड़ पौधों के हार्मोन्स, अभी हम लोगों ने पढ़े मानव और अब पादप। ऑक्सिन ऑक्सिन का क्या वर्क है, ये कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है, इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएँ नहीं निकलती। जिबरेलिन क्या है, इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं, ये अंगूरों का आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होता है। इंपॉर्टेंट है अंगूरों के आकार और इनके गुच्छों का, जिबरेलिन। साइटोकाइनिन क्या है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन। उसके बाद है एब्सिसिक अम्ल, ये रंध्रों को बंद करके बाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है, ये पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है, क्या, एब्सिसिक अम्ल। एथिलीन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, कच्चे फलों जैसे केला आम संतरा आदि को शीघ्र पकाने में प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए दिव्यांगता या अक्षमता, या इसको डिसेबिलिटी बोलते हैं। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना। दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं, एक दूसरे से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सुनने संबंधी दोष एवं दृष्टि में कमी को दिव्यांगता माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं उसे दिव्यांगता कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसकी कोई ऐसा शारीरिक दोष है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं, तो दिव्यांगता की परिभाषा हो गई है। उसके बाद दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता यानी डिसेबिलिटी होती है। शारीरिक अक्षमता में पेशी एवं स्नायु संबंधी विकार तथा हाथ पैर ना होना आदि शामिल होते हैं, जबकि मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंदबुद्धि आदि शामिल किए जाते हैं। दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण, तो कारण क्या है, दिव्यांगता अस्थायी है अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। जन्मजात दिव्यांगता क्या होती है, जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है, यानी जन्म से ही कोई दिव्यांग है, ये आनुवांशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभाव से भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, आनुवांशिक भी हो सकता है, गर्भ के दौरान संक्रमण या विकिरण या दवाओं के आदि के दुष्प्रभाव से। नेक्स्ट देखिए उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है, जैसे दुर्घटना हो यानी एक्सीडेंट होने से किसी का हाथ चला गया तो वो क्या हो गया, दिव्यांग हो गया, शरीर किसी अंग का क्षतिग्रस्त हो जाना। दिव्यांगता के प्रकार, जन्मजात या उपार्जित कारण से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है जिसके कारण प्रभावित अंग की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते और सामान्य व्यक्ति व्यतीत जीवन व्यतीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में दिव्यांगता की नई नई श्रेणियां प्रकाश में आई हैं, केंद्र सरकार ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है, अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया, इंपॉर्टेंट है 21 प्रकार, कुछ दिव्यांगता इस प्रकार है, देखिए जैसे दृष्टिबाधिता,
आँखें हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए मदद करती हैं, तो देखने की क्षमता को विजन, आई साइट या दृष्टि कहा जाता है। तो दृष्टि देखने, दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से आंशिक रूप से देखने में क्या होते हैं, अक्षम होते हैं। लोकोमोटर दिव्यांगता क्या इंपॉर्टेंट है, हड्डियों जोड़ों मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। हड्डियों जोड़ों या मांसपेशियों यानी कि हड्डियों कई ढंग से ना जुड़े होना या हड्डियां सही ना होना या मांसपेशियां गड़बड़ होना, तो उसकी कमी से जो विकलांगता है उसको क्या बोला गया है, लोकोमोटो मोटर दिव्यांगता। विकलांगता ना यूज़ करके दिव्यांगता यूज़ करना चाहिए। ये दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, सेरेब्रल पैलेसी, फ्रैक्चर आदि के कारण होती है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते। मानसिक दिव्यांगता है बौद्धिक, समझ सकते हैं जो लिखा हुआ है, मानसिक मानसिक दिव्यांगता से सूझबूझ, तर्क, ग्रहण क्षमता का अभाव होता है। इससे पहले मानसिक मंदता कहते थे। इस दिव्यांगता में बच्चे को विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है। इस दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मतलब जो थोड़ी मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाते हैं बच्चे। श्रवण दिव्यांगता यानी कि सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए होगा। डिस्लेक्सिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लेंगे खुद से, ठीक है। डिस्लेक्सिया देखिए क्या है, डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी रीडिंग और राइटिंग से डिस्लेक्सिया, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने से में परेशानी होती है। डिस्लेक्सिया के ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं, यानी शब्द कैसे पढ़ते हैं, उल्टे पढ़ते हैं। जैसे जे ये बना हुआ है तो इस तरीके से पढ़ेंगे उसको, और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। ये 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यता पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, 3 से 15 साल के बच्चों में डिस्लेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है, ठीक है। डिसग्राफिया क्या है, डिसग्राफिया सुसंगत, अच्छे ढंग से रूप से ना लिख पाने की अक्षमता, यानी जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं। ग्राफिया मतलब ग्राफी, जैसे कैलीग्राफी, जो अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं उसमें डिसग्राफिया। ये एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिसग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित हैं। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप में लिखने में कठिनाई होती है तथा इनके लिखने की गति भी धीमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरिमा सुनिश्चित करता है। स्पष्ट रूप से दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने का जोर डालता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नज़रिया तेज़ी से बदला है। मतलब हम और आप अब ये समझ चुके हैं कि अगर कोई भी हमें व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति दिख रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो ब्लाइंड ब्लाइंड है या मतलब दृष्टिहीन है, नहीं देख पा रहा है, तो अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। जितना हो सकता है पॉसिबल उतना हम लोगों को दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। ये माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो बेहतर गुणवत्ता और जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसे आप पैरालंपिक देखिए, तो जिनको मौका मिल रहा है वो क्या कर रहे हैं, देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे पैरालंपिक में देखिए, कई स्विमर्स और कई जो एथलीट्स हैं, ठीक है, वो जैसे अभी आपने देखा होगा पैरालंपिक जो हुआ है, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक, तो उसमें कई हमारे जो दिव्यांग लोग थे, जो डिसेबल्ड पर्सन थे, उन्होंने कई सारे मेडल जीते हैं, ठीक है। तो उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे देखिए, समान अवसर में प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर पुनर्वास सेवाओं के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए। तो ये भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित 7 राष्ट्रीय संस्थान जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये हैं शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, याद रखेंगे, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्था कोलकाता में है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था कहाँ, सिकंदराबाद में, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्था कहाँ, मुंबई में, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ, कटक में, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ, चेन्नई में। ये सब याद कर लिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी जाने, जैसे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक का आयोजन किया था। अभी मैंने बात की थी पैरा ओलंपिक में, आप बताएंगे फर्स्ट जो मेडल था वो किसने जीता था, पैरा ओलंपिक फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था, ठीक है। अब नील अखेरा का नाम सुना होगा तो बताएंगे। पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 1960 में रोम में किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। प्रत्येक 3 दिसंबर, ये तो लिख लीजिए इसको एग्जाम के लिए मोस्ट, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस
बनाया जाता है। अब देखिए इसमें हमने सीखा शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाओं को दिव्यांगता कहते हैं। वर्तमान में 21 प्रकार की अवस्थाओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री को एक पेटी या बॉक्स में कहा, जिसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। ये मैंने स्किप कर दिया था, पढ़ लीजिएगा। दवाइयों की निर्माण दिनांक एवं अंतिम दिनांक देख कर ही खरीदने में उपयोग करनी चाहिए, जिसको कहते हैं एक्सपायरी डेट। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो था जूनियर एड से रिलेटेड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो एग्ज़ाम आने वाला है सुपर टेट का उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके अदर कंडीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे ओट्स की बात की थी, ठीक है, ओट्स हो गए, पादप हार्मोन्स हो गए, ह्यूमन्स हार्मोन जो हो गए, और पादप कोशिकांग के जो उसमें कार्य की बात की है, ये रोगों की बात की गई है, ठीक है, और प्लास्टिक के बारे में बात की मैंने, मिश्र धातु, ये तो सारे एग्ज़ाम में पूछा था, एस के बात की गई है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देखिएगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ से जैसे इसकी पर, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये मेल और ये फीमेल, इसमें क्या है, ये मेल गैमेट्स स्पर्म और इसमें ओवम फीमेल गैमेट, आपको लिखना है लार्जेस्ट सेल, ठीक है, वो कौन सी है ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। फिर जायगोट यानी कि इन दोनों का स्पर्म है, जो स्पर्म और ओवम ये हो रहा है, तो जायगोट, जायगोट से एम्ब्रो, एम्ब्रो से प्रेगनेंसी एंड देन द न्यूनेटल, ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, जायगोट एम्ब्रो प्रेगनेंसी एंड इस तरीके से। सो दिस वॉज वीडियो, हाउ वॉज वीडियो, एंड आई होप यू ऑल द व्यूअर्स एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।